जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और आप मेरे चैनल कमांडो एकेडमी पर ये वीडियो देख रहे हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इतने निराश हो रखे हैं जीवन से, मतलब वो फौज की तैयारी तो कर ही नहीं सकते, ये गारंटी है मेरी। मतलब इतने हताश मैंने नहीं देखे कि वो कभी फौजी बना। अभी लोग कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि सर हम ओवर एज हो रहे हैं, हम वो हो रहे हैं। अरे ओवर एज हो रहे हो भाई, फौज से हो रहे हो, ज़िंदगी क्यों हार रहे हो? इसलिए इतना किस लिए रोना यार। जो इंसान फौज की तैयारी करता है उसका स्टेमिना, उसमें पेशेंस, डेडिकेशन कितना होना चाहिए। आप में क्या है, आप क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी मतलब हार मान गए हो? क्या करोगे ज़िंदगी में, कैसे ज़िंदगी जियोगे? ऐसे सब कुछ मिल जाए ज़िंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है मेरे दोस्त। तो अगर ज़रूरी नहीं कि आपको अगर आर्मी नहीं मिली, SSC GD की तैयारी करो। फौजी बनना है, आर्मी नहीं मिली कोई बात नहीं, SSC GD की तैयारी करो। हताश होकर बैठने से कुछ नहीं मिलता। रोक के राजपाट किसी को नहीं मिले, लड़के ही मिले, आपको पता होगा। तो दोस्तों जितने भी लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं किसी भी कारण, बस अपनी गरीबी की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से, मैं समझता हूँ आप सभी की, कईयों के परिवारों की स्थिति नहीं है पढ़ाने की, कईयों के परिवार की स्थिति बहुत ही ख़राब हो रही है, दैनिक स्थिति ख़राब हो रही है। मुझे पता है, इन चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, मेरा जीवन ऐसा रहा है, ये मैं चीज़ें समझता हूँ। लेकिन हार नहीं माननी दोस्तों, जो हार मान गया उसका कुछ नहीं होना। इतिहास में कहीं नाम है तो उसका बता दो मुझे, जो हार मान गया इसके इंसान इतिहास में कहीं नाम नहीं है। अगर महाराणा प्रताप का नाम है तो क्यों, युद्ध तो वो बहुत कम जीता था, लेकिन फिर भी नाम, अगर किसी ने पढ़ा महाराणा प्रताप का इतिहास तो पढ़ लेना, युद्ध बहुत ही कम जीते हैं महाराणा प्रताप ने, लेकिन नाम क्यों इतिहास में? क्योंकि कभी हार स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर आप क्या कर रहे हो दोस्तों? आप फौजी बनने का सपना देखिए, अगर इतने मतलब लाचार दिखे तो फौजी बनने लायक ही नहीं हो आप। फौजी आदमी किसको बोलते हैं? चाहे किसी भी परिस्थिति हो उसमें वो सर्वाइव करता है, मतलब वो भी आनंदित रूप से, ना कि ऐसे सड़ा सा मुंह लेके। कुछ लोग तो पीछे पड़ के हम ओवर एज हो रहे हैं, अरे रोज ना रो रहे ओवर एज का, क्या हो गया ओवर एज? और कोई भर्ती नहीं है? मेहनत करो दिल लगा के। कहाँ लिखा है कि 27 साल के बाद में वैकेंसी नहीं है, 22 साल के बाद में वैकेंसी नहीं है, 25 साल के बाद? आपका एज क्राइटेरिया किसी एक वैकेंसी के लिए हो सकता है, सब के लिए नहीं। जो 23 साल से ज़्यादा जनरल वाले ओवर एज हो रहे हैं, टीचर के लिए तो नहीं हो रहे हो ना भाई? बोलते हैं कि हम क्या करें, बेरोजगार हैं, पैसे नहीं है। ये एक तो रोजना रोना छोड़ दो, जिस इंसान को पैसे कमाने कैसे भी कमा सकता है, आप अपने मोल लेके लड़कों को इकट्ठा करके ट्यूशन पढ़ा लो, छोटे छोटे बच्चों को, कैसे पैसे नहीं कमाओगे? तो दोस्तों ध्यान रखो, बेरोजगारी का रोजना रोने से कुछ नहीं होगा। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो कुछ, ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, रोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर जो बोलते हैं ना बेरोजगार, करने को बहुत कुछ है, मजदूरी करके भी लोग IPS बने हैं, लेकिन आप करना तो कुछ है नहीं। बेरोजगारी का रोजना रोना तो रोते रहो ज़िंदगी भर। अगर सच्ची अगर दिल में हो ना तैयारी करने की, तो लोग रोड लाइट पे बैठ के भी तैयारी कर करके IPS बने हैं हमारे देश में। ये किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लेना उठा लेना हिस्ट्रियाँ, बहुत सारे ऐसे IPS ऑफिसर आपको मिल जाएंगे इस देश में, जिन्होंने, जिनके घर में खाने का कुछ नहीं था, पीने का कुछ नहीं था, बाहर जाके पढ़े, रोड लाइटों पे, स्ट्रीट लाइटों पे, रेलवे स्टेशनों पे, तो IPS ऑफिसर हैं। आप किस बात के लिए रोजना रो रहे हो? आप, मैं बोल रहा हूँ, आप मोहल्ले के 10 छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा लो, आपको कोई भी आज 300-400 रुपये देने के तैयार होगा, महीने के 10,000 रुपये अर्निंग होगी, आप कोचिंग कर सकते हो, आपकी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन करना कुछ नहीं है। बस एक ही चीज़ है, हम तो रोज बेरोजगार है, अगर इसमें नहीं लगे तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार क्यों हो जाओगे? आप करो ना मेहनत। इतनी हिम्मत आ रही फौजी कहाँ बनेंगे भाई? जो इतनी हिम्मत आ रही लाचारी से अगर फौज की नौकरी ले भी ली तो करोगे क्या ज़िंदगी में? कुछ चीज़ें मिलती है मेहनत से, और फौज मिलती है जिद से। जिनको फौजी बनना होता है ना, उनमें जिद होती है कुछ करने की, और जो जिद्दी होते हैं वही बनते हैं। तो इस बात को मान के चलो, अगर आप में जिद है कुछ करने की तो ही फौजी बनना, नहीं तो मत बनना, यहाँ आके भी रहोगे। क्योंकि आप जितना सोच रहे हो उतना आसान है नहीं, फौज की नौकरी बहुत कठिनाइयों से भरी है, ऐसे ही थोड़ा ना इतनी रिस्पेक्ट मिलती है देश में। परिवार से दूर रहना 6-6 महीना, 12-12 महीना, ऐसी ऐसी जगह रहना जहाँ सोच भी नहीं सकते, तो यहाँ पे आके रहोगे क्या मतलब निकलेगा? तो जिसमें जिद होता है, जुनून होता है, वो बनता है फौजी, और फिर वो खुश भी रहता है ज़िंदगी भर, अच्छे से नौकरी भी करता है और अच्छे से देश सेवा भी करता है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं ना, जो मतलब एक वैकेंसी के लिए इतना रोने लग गए, रो धो के बनोगे फौजी तो क्या करोगे?
अगर आप में है हौसला तो फौजी नहीं तो और भी बहुत सारी है, ज़रूरी नहीं आप और एज हो रही तो बस हताश होना है, हताश नहीं होना कभी भी, बहुत सारी वैकेंसी है देशभक्ति करने के लिए और भी बहुत सारे साधन हैं। वर्दी अगर आप आर्मी के लिए और एज हो रही तो SSGD की तैयारी कर लो, किस लिए रोना किस लिए घर पर बैठना, तैयारी करो। गरीबी की रोजना मत कहो मेरे दोस्तों, आप 10,000 रुपये पढ़ा लिखा इंसान है ना, अगर 12th क्लास वो कहीं पे भी कमा सकता है और अपनी पढ़ाई चला सकता है, तो ये रोजना तो कमेंट बॉक्स में कभी रोया ही मत करो, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे कमेंट मिले कि सर हम और एज हो जाएंगे, हमारे परिवार की स्थिति ऐसी ऐसी है। जितने भी फौज में यहाँ पर लोग हैं इनमें से 50% की परिवार स्थिति वैसी है जैसी तुम बताते हो, मेरी भी वैसी है, तो मैं किसी के सामने रोता तो क्या हो जाता, मेरा कुछ नहीं मिलता, मेहनत की खुद ने, हमने भी 10th क्लास में थे तब से काम कर रहे हैं, घर से बाहर जा के पत्थरों में खदानों में काम किया हमने, तो खदानों में काम करके पैसे कमा के भी पढ़ के यहाँ आए हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते, आप क्यों नहीं कर सकते, बस रोने बैठ दो, हमारे पास में है नहीं कुछ, 12th पास हो ना, 20 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो अपने गाँव के, उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी, और आप कोचिंग भी कर सकते हो उस पैसे से, अपना भविष्य बना सकते हो, बाद में जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो उनका भी भविष्य बन जाएगा। लेकिन सोच तो होनी चाहिए ऐसी, बेरोजगारी का रोजाना रोते रहो जिंदगी भर, बस मिल जाएगा क्या ऐसे रोजगार, कभी नहीं मिलेगा ऐसे। जो चीज़ नेगेटिविटी देखने वाले लोग हैं वो नेगेटिविटी ही देखते रहते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखते हैं, उनको बस कमियाँ ही नज़र आती है हर एक चीज़ में। ज़िंदगी में वो चीज़ सोचो जो तुम कर सकते हो, जो बीत गया सो कल था, जो तुम नहीं कर सकते उसके बारे में सोचना नहीं कभी, अब क्या कर सकते हो ये सोचो। अब रो रहे पेपर में नंबर कमाए तो उस समय सोचना था ना, अब क्या सोच रहे हो, अब तो पेपर ही गया, बात ही खत्म, मेरिट भी आने वाली है, अब क्या सोचना है। तो उदास मत हो, फिर वैकेंसी आएगी, और एज हो रही तो और बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनमें एज बहुत आती है, उनकी तैयारी करो। जय हिंद।